आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर संभल से है, जहां संभल विधानसभा ने मंच से विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया तो लोगों की हालत होमगार्ड से भी बदतर कर दी जाएगी। वहीं भाजपा प्रत्याशी के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जबकि इस बयान से बेबस होकर मुरादाबाद के होमगार्ड सिपाही ने राजेश सिंघल को फोन किया, जिसमें राजेश सिंघल अपनी गलती को होमगार्ड के सामने स्वीकार कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है भाजपा प्रत्याशी ने, उनका विवादित बयान सुनाते हैं, उसके बाद होमगार्ड द्वारा की गई बात भी सुनाएंगे। बताओ आप लोग बोलो, अरे आप मत बोलो, मैं पूछने वाले पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बढ़ रही है, जोर से बताओ, योगी जी बढ़ रही है। जब योगी जी की सरकार बढ़ रही है तो संभल के अंदर MLA किसका होना चाहिए, समाजवादी पार्टी का, बसपा का या भाजपा का? यदि भाजपा का MLA होगा तो विकास की गंगा बहाई जाएगी, और यदि धोखे से आपने गलती कर दी, यदि धोखे से आपने गलती कर दी और आपने मुझे नहीं चुना, किसी दूसरे को चुन लिया, तो वह होमगार्ड की बारिश की हो जाएगी, इसको होमगार्ड, उसकी कोई औकात नहीं रही। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है भाजपा प्रत्याशी ने, विवादित बयान दिया है होमगार्ड को लेकर, जो एक पद है उसकी गरिमा को गिराते हुए उन्होंने ये बात कही है, जिसके बाद उन्होंने होमगार्ड से माफी भी मांगी, अपनी गलती स्वीकार करी है। क्या कुछ कहा है, किस तरह से माफी मांगी, आपको सुनाते हैं। सर पावर की बात कही वो बात आप भी ईमानदारी बताओ, पावर किससे होती है? पावर मेरी बात सुनिए आप, पहले पावर होती है अच्छी बात है, लेकिन सर एक आप नाम ले रहे हैं तो ये गलत है ना। आपको बताइए हम आपको अगर उल्टा बोले गलत बोले तो आपको अच्छा लगेगा, आपका परिवार को अच्छा लगेगा, ये बताइए। आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो, आप आपके वो चलो वो जो है ना वो आपको लग रहा है गलत, हमने केवल पावर की दी कहा, पावर मुक्त कर दो, पावर मुक्त मतलब होता है डिसीजन में निर्णय होता है, डिसीजन वाला निर्णय, तो हमने कहा ये बात तेरी और कबाने थी, एक अंतर कर देना बोला और कबाने थी, आप उसको गलत भी आप अपने आप को गलत भी बदलो, उसकी उसकी जो है ना इकबाल मौत को, इकबाल मौत के ऊपर हमने अटैक किया ना कि आपके ऊपर अटैक किया, इकबाल के ऊपर अटैक किया। तो आपने सुना कि दोनों के बीच की बातचीत, जिस तरह से होमगार्ड ने इसका विरोध किया है, जो भी इन्होंने भाषण के दौरान होमगार्ड को लेकर अपशब्द कहे तो उसका विरोध किया है, तो इन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा भी है और माफी मांगते हुए भी नजर आए हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता मुबारक अली जुड़ चुके हैं। मुबारक अली, जो ये मामला सामने आया है, पहले विवादित बयान देते हैं, उसके बाद अपनी गलती स्वीकारते भी नजर आ रहे भाजपा प्रत्याशी, क्या कहेंगे इस पर? आपको बता दूं, जनपद संभल के 33 विधानसभा संभल के ये प्रत्याशी हैं और ये राय सिंघल के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने विवादित बयान दिया है होमगार्डों को लेकर इन्होंने, और होमगार्डों को इस बात को बहुत बड़ा कर रहा लगा है, जो उनकी उन्होंने बताया, बोले होमगार्ड ने, बोले हमारी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, और फिर उसके बाद होमगार्ड ने फोन पर बातचीत करने के बाद में जिलाध्यक्ष से उन जो प्रत्याशी उनसे बातचीत की है, उन्होंने गलती भी सहकारी है और अपना बयान इन्होंने रिटर्न भी ले लिया है। जी मुबारक अली, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस होमगार्ड ने भाजपा प्रत्याशी से बात करी है, क्या ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं या फिर किसी भी होमगार्ड ने इनसे बात करके इनको इनकी गलती का एहसास दिलाया है? न ये होमगार्ड है, मुरादाबाद का बताया जा रहा है, मुरादाबाद से बात करी है, और उसने फिर आज इन्होंने राय सिंघल ने खुद बाइक DS के बयान भी रिटर्न ले लिया है। जी तो क्या इन्होंने अपनी गलती स्वीकारते हुए माफी मांग ली है? हाँ, वो अपनी गलती माफी मांग ली है, उन्होंने ये भी कहा है, बोले होमगार्डों का हम पहले से ही ध्यान रखते हैं और इसका और हम आने वाले टाइम में इनका भी ख्याल रखेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मुबारक अली जुड़े थे संभल से। सीतापुर में समाजवादी पार्टी से टिकट के
मजबूत दावेदार माने जा रहे पूर्व विधायक मनीष रावत की टिकट मिलने की आस उस समय टूट गई जब पार्टी ने बसपा से समाजवादी में शामिल हुए वर्तमान विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव को सिधौली विधानसभा सीट से मैदान में उतार दिया, जिसके बाद पूर्व विधायक के घर पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान समर्थकों के सामने अपनी बात कहते कहते पूर्व विधायक मनीष रावत फूट फूट कर रोए। खबर कुशीनगर से है, जहां भाजपा ने हाटा विधानसभा से मोहन वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया, जिसके बाद मोहन वर्मा के समर्थकों में खुशी देखने को मिली और कार्यकर्ता ने उनके आवास पहुंचकर फूल माला पहनाकर उनको बधाई दी। इस दौरान मोहन वर्मा ने कहा कि हाटा की जनता उनको पूर्ण बहुमत से चुनेगी। चलिए आपको सुनाते हैं इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा। प्रत्याशी बनाने से सभी हम कार्यकर्ताओं में बहुत ही खुशी है। हमारे मोहन वर्मा जी नगर पालिका के अध्यक्ष वर्तमान में हैं। इन्होंने जब पद पर थे तभी और जब पद पर नहीं थे आज लगभग 2500 साल से जमीनी स्तर पर गरीबों का सहयोग करते चले आए हैं और क्या नाम है आगे भी इसी तरह का सहयोग हम लोग का बना रहेगा। इसके पहले अभी कोरोना काल में हम लोग एक कैंप चलाए थे टीम मोहन वर्मा के नेतृत्व में, जो वहाँ से जितने भी प्रवासी मजदूर हमारे आ रहे थे आपके टोल टैक्स पर हम लोग कम से कम कई लाखों के पैकिंग में भोजन कराया। उसके बाद से हर दुख सुख में गरीबों के दुख सुख में हम लोग जाते हैं। टीम मोहन वर्मा की पूरी टीम जाती है, उनके कार्यकर्ता गण अपने साथ लेके जाते हैं और हम लोग की पूरी उम्मीद है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको हम लोग सकुशल संपन्न करेंगे, उन नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे और एक अच्छा संदेश भेजेंगे पार्टी के हित में कि किसी कार्यकर्ता को आपको टिकट दिए हैं वो कार्यकर्ता ही आपका एक ऐसा कार्यकर्ता है जो हर काम करने में सक्षम है। पहले नंबर तो मैं आप मीडिया बंद को धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी जो हमको जिस विश्वास और आशा के साथ वर्तमान विधायक का टिकट काट के हमको टिकट मिला है, वर्तमान विधायक भी हमारे बड़े भाई हैं और उनके बदौलत मैं आज अध्यक्ष के पद पे भी हूं और उनके ही बदौलत मैं विधायक भी बनूंगा और पार्टी का निर्णय और यहाँ छोटे जो हमारे कार्यकर्ता बंद हुए जो हमारे पदाधिकारी बंद हुए उनके निर्णय के अनुसार हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को टिकट दिया है। मैं स्वतः कन्नौज की छिबरामऊ सीट से वोटर्स पार्टी के प्रत्याशी लालू यादव ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान लालू यादव ने कहा कि चुनाव जीतने पर विधानसभा में जो भी समस्या है उसको दूर किया जाएगा। आगे लालू यादव ने कहा कि अगर छिबरामऊ की जनता उनको चुनाव जिताकर विधानसभा भेजती है तो वोटर्स पार्टी को वोट डालने वाले वोटर्स को हर महीने 8,000 रुपए देने का काम किया जाएगा। हमारी पार्टी की नीतियां हैं देश में वोट डालने वालों को 8,000 रुपए महीना देने का कार्य हमारी पार्टी करेगी। गांव क्षेत्र में कमियां तो पूरी विधानसभा में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कमियां ही कमियां हैं। जब तक देश के वोट डालने वालों को 8,000 रुपए महीना नहीं मिलेंगे तब तक ये कमियां गरीबी बेरोजगारी भ्रष्टाचारी ये सब कमियां ही हैं। छिबरामऊ के लोग अगर हमें जिता के भेजते हैं तो सबसे पहले विधानसभा में पहुंचने के बाद हम वोटरशिप का कानून बनवाने का कार्य करेंगे, देश के वोट डालने वालों को 8,000 रुपए में। अलीगढ़ से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां महज 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी सूचना पीड़िता की मां को हुई तो उसके द्वारा आरोपी युवक के खिलाफ थाना मुकदमा पंजीत कराया गया है। वहीं घटना को लेकर पुलिस के द्वारा आनंद फानंद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं पूरे मामले पर सह चिकित्सा अधिकारी इकरार अहमद के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि एक आरोपी को पुलिस के द्वारा डॉक्टरी के लिए लाया गया, जहां उसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा कि धारा तो पुलिस लगाती है, हमने से उसका परीक्षण किया।
खबर अमेठी से है, जहां जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मरौचा तेतारपुर में जमीनी विवाद को सुलझाने के चक्कर में क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश पासी पुलिस क्षेत्राधिकारी के पास पहुंचा। इस दौरान रमेश पासी ने कहा कि पुलिस पीड़ित को थाने का चक्कर लगवा रही है, जबकि दबंग लगातार रमेश पासी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बावजूद पुलिस इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरा नाम रमेश कुमार है। क्या मामला है, आप यहाँ आए हैं? सर जी, हमारे गांव में दो पक्षों में जमीनी विवाद हुआ। सर जी, मैं मौके का क्षेत्र पंचायत हूँ, क्षेत्र पंचायत होने के नाते हमें भी वहाँ बुलाया गया, और जब मैं मौके पे पहुँचा तो वहाँ से पहले पहुँचे जाहिद अली और साजिद अली, उनकी पत्नी जरीना बानो, और बगल गाँव के तौसीफ अहमद और तस्सु बाबू, इन सभी लोगों ने हमें गाली दे करके साले पासी पसकौटा, कल का बीपीसी हो गया है, क्या कर लेगा, जान से मारने की धमकी, और ये बोले यहाँ से चले जाओ नहीं तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। सर, वहाँ से मैं आया, अप्लीकेशन दिया 21 तारीख को थाने में, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में सर मैं गया वो लेकर अपने अप्लीकेशन CO ऑफिस, सर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं आप लोगों का सहारा लिया हूँ, सब हमको ज्यादा से ज्यादा न्याय मिले, आज और कल तक न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी आत्महत्या यहीं कर लूंगा। खबर अलीगढ़ से है, जहां के थाना गांधी पार्क क्षेत्र में नशे में धुत भाजपाइयों के द्वारा एक व्यापारी के साथ जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, व्यापारी को नशे में मारपीट करते समय भाजपाइयों ने अपने आप को भाजपा विधायक का आदमी बताया है। गाली गलौज और मारपीट से आहत घायल अवस्था में व्यापारी के द्वारा थाना गांधी पार्क में मदद की गुहार लगाई गई है। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर जब व्यापारी के द्वारा भाजपा विधायक से इसकी शिकायत की गई, तो विधायक ने भी अपने ऊपर से पल्ला झाड़ लिया और व्यापारी ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर देते हुए मुकदमे की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है, जिसके बाद इलाका पुलिस के द्वारा कार्यवाही करने में जुट गई है। कल 8 बजे करीब मैं अतरौली से पेमेंट लेके आ रहा था, तो यहाँ पे दो लोगों में झगड़ा हो रहा था, तो ये BJP मेरे सामने, BJP का कार्यालय है संजीव राजा का, यहाँ से ये लड़के दारू पी के आए, उन्होंने मेरे साथ मारपीट कर दी। अब मेरे साथ मेरा गेट फेट भी घर का, तो मैं तो नहीं घुसता, तो मेरे लूटपाट भी कर ले, मेरे पे कैश भी था, और लूटपाट करने के चक्कर में उन्होंने मेरे संग बदतमीजी करी और मेरा गेट बहुत झझोड़ा है मेरे पास, मेरे कैमरे में CCTV कैमरे में। अमेठी तहसील के केशव नगर से बिराहिमपुर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाने की मांग को लेकर 20 ग्राम पंचायत के करीब 500 से अधिक लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि अगर अंडर ब्रिज नहीं तो वोट नहीं। इसका ओवर ब्रिज बनाइए चाहे अंडर पास दीजिए, आज मान के चलिए कम से कम 25-30 साल अगर कोई का जी। कोई की तबीयत खराब हो जाती है, जैसे कोई भी तबीयत खराब, कम से कम 8 किलोमीटर इधर 8 किलोमीटर इधर, 10 किलोमीटर अगर जाते हैं तो आधा घंटा लगे, प्लस जाम हो गया क्या करेगा आदमी है। इसीलिए अंडर ब्रिज तो बहुत ही जरूरी है, चाहे नीचे थोड़ी जगह दे 10x10 या 15x15 दे, कोई मुश्किल नहीं है, मगर चाहिए कम से कम 20 गाँव का इधर निकास है, कम से कम 20 गाँव समझ गई। इसीलिए 3 बार से वोट बहिष्कार हो रहा है, 3 बार से, मगर कोई आता है हाथ जोड़ के भैया वोट ले लो, वोट नहीं होगा क्लियर एकदम 100%, समझ गए आप। हाँ, 50 गांव चाहे 10-20-50 गांव चाहे 100 गांव हो, मगर वो कम से कम 20 अगर नहीं, सीधा आप जाइए प्रतापगढ़, उधर से 10 किलोमीटर आपका ज्यादा पड़ता है, मगर इस रोड से आपको 5-10 किलोमीटर कम पड़ेगा 20 सेकंड जाने को आपको। बहिष्कार हमारा आज नहीं, आज से 15 साल पहले से हम लोगों का बहिष्कार यहाँ चल रहा है, धरना हो रहा है। हम लोगों को आने जाने के लिए, हमारे बच्चों को स्कूल जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। हमारे जो गांव के वृद्ध हैं वो लोग अमेठी से दूर हो चुके हैं, अमेठी जाना बंद कर दिए हैं, और हम लोग किसान जो हैं कोई भी खाद बिया बीज वगैरह कुछ भी लाने जाने में हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग ने 15 साल से आज हम मांग करें कि हमको संपार फाटक या ओवरब्रिज कुछ दिया जाए, लेकिन कोई भी सरकार हम लोगों के पक्ष में कभी भी सिर्फ हमको बगला के चुनाव करा के वोट ले लेती है, लेकिन हमारा काम नहीं करती है। इसलिए हम लोग इस बार फिर चुनाव का बहिष्कार करते हैं, और 20 ग्राम सभा के लोग चुनाव का बहिष्कार करते हैं, और हम लोग
अमेठी में अवैध शराब खनन और लकड़ी का कारोबार चरम पर चल रहा है, जबकि पुलिस विभाग लगातार अवैध खनन और अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर इनके विरुद्ध कार्रवाई तो कर रहा है, जिसके बावजूद वहां वन विभाग की मिलीभगत से पुलिस पेड़ों के अवैध कटान पर रोक लगाने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं इस मामले की जानकारी जब जिला वन अधिकारी से ली गई तो उन्होंने कहा कि जंगल की लकड़ियां बेचने वालों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर फतेहपुर से है, जहां थाना चांदपुर के अमौली कस्बे में सब्जी मंडी के अंदर मिर्ची कारोबारी के साथ टप्पेबाजी कर करीब 1,70,000 रुपए पार कर लिए। इस दौरान टप्पेबाजों ने सब्जी लेते समय व्यापारी का पैसे से भरा हुआ झोला बगल में रखकर सब्जी खरीदने लगा। इस बीच टप्पेबाजों ने व्यापारी का पैसे से भरा हुआ झोला पार कर दिया, जिसकी सूचना पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आगामी विधानसभा चुनावों के चलते जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट है, साथ ही किसी भी तरह की लापरवाही ना हो इसके चलते पुलिस प्रतिदिन पैदल मार्च और चेकिंग अभियान चला रही है, जहां दुकान में सजी शराब की गहनता से जांच की जा रही है, तो वहीं राज्य का होलोग्राम चेक किया जा रहा है। और मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शराब की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे किसी दुकानदार द्वारा किसी प्रकार की अवैध शराब की बिक्री न की जा सके। विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त शराब के ठेकों को अंग्रेजी देसी और बियर के ठेकों को चेक किया जा रहा है। इसमें ये चेक किया जा रहा है कि इनके द्वारा कोई अवैध रूप से कार्य तो नहीं किया जा रहा और अवैध शराब की बिक्री तो नहीं की जा रही है। इसी के संदर्भ में एक्साइज विभाग के साथ आज पूरे जनपद। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।